हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति निस्टर्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बस मैं ये ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। सारा काम फ्री हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह सारी हो चुकी है। अब मैं बनाऊँगी नाश्ता और अभी हम नहा भी लिए हैं। बाबू सबको बैठक कर दो, तब जब मैं बैठक और गुड मॉर्निंग भी कर दो। मॉर्निंग अपने नाउन कर लिया बाबू ने। आलू के पराठे, तो बस आलू बॉईल कर लिए हैं मैंने। आलू बॉईल कर लिए थे, देखिए। बस अब मैं आलू की फिलिंग बनाऊंगी, आटा बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना व्लॉग। शैतान को देखो, इसको कपड़े भी अपने पापा के हाथ से ही पहनने हैं, इसको कपड़े भी मम्मा से नहीं पहनने। पापा के घर पे होने का पूरा फ़ायदा उठा रही है। देखो बाबू, मैं पहना दूँ? बाबू मैं बना दूंगी, पहन लो। तो अभी से सारा काम अपने पापा से ही कराना है। आज तुम्हें सोना बच्चा किसने बनाया? पापा ने। आज मम्मा ने ना बनाया? पापा ने। अब तुम मम्मा से ना बनते सोने बच्चे? ना। क्यों ना। क्यों ना। बताओ ना। ना बनते ना। अब तुम मम्मा के पास ना आओगे? ना आऊंगा। आप तो पापा के पास ही रहते हो। ना। चलो जय माई। तो बस मैंने आलू की पिठी बना ली थी और अभी इसमें मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि बाबू के लिए बनाऊंगी पहले पराठा। तो बस मैंने ऑल इसमें धनिया पाउडर और नमक डाला है। क्या मांग रहे हो आप भगवान जी से बाबू? ये क्या हो रहा है? हैं? ये क्या हो रहा है? हाथ उठाओ, जल जाएगा। अच्छा, भगवान जी को आप जोत लगा रहे हो? ओ नहीं 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 बाबू, देख लो सारे गिर जाएंगे। ये देखो भगवान जी को जोत दे रही है। कैसे शैतानी करता है बच्चा, और कैसे पूजा कर रही थी। तो बस चाय बन गई है पराठे के साथ। तो चाय इतने उबलती रहेगी इतने में पराठा बना लूँगी। तो आटा वगैरह देखिए मैंने बना दिया था सबसे पहले। आलू की पिट्ठी बनाने से भी पहले मैंने आटा बना दिया था ताकि ठीक हो जाए। तो सबसे पहले बाबू को ही बना के दूँगी और उसके बाद इसके अंदर मिर्च ऐड करूँगी क्योंकि बच्चे तो मिर्च खाते ही नहीं हैं, आपको पता ही है। तो सबसे पहले कुछ भी बनाती हूँ तो मैं इसके लिए बिना मिर्च का निकाल देती हूँ क्योंकि बच्चा ना खाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मैंने बस इसके अंदर मिर्च मिला दी है, धनिया नहीं था। वैसे तो धनिया के बिना अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें जब था ही नहीं। और अब इस वक्त मिल भी नहीं पा रही है, सारी सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है। जो आता सब्ज़ी वाला हम ले लेते हैं, ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जो घर में है बस वही खा लो, इस टाइम तो यही है बस। लेकिन सही रहो, स्वस्थ रहो। तो देखिए पराठा बन गया है बाबू के लिए, मैं बाबू को दे आई थी। और बस अब मैं सबके लिए नाश्ता बना दूँगी, सभी लोग खा लेंगे गरम गरम। टाइम भी काफ़ी हो गया था, कम से कम मुझे लग रहा 12:45 ही बज रहे हैं। नाश्ते में इतना टाइम हो जाता है, फिर खाने का तो हमारा टाइम निकल ही जाता है। कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, बस यही हो जाता है क्योंकि काम में इतना टाइम हो जाता है। तो बस देखिए बन चुका है। बाबू को पहले दूध बिस्किट दे दिए थे क्योंकि पराठा तो केवल नाम है। माँ तो सोचती है कि बच्चा सब कुछ खाए, लेकिन बच्चे ऐसे ही करते हैं। इस वजह से मैंने पराठा बना दिया है इसके लिए, लेकिन दूध और बिस्किट दिया है। थोड़ा बहुत वो खाएगी और एक का टुकड़ा खाएगी तो खा लेगी, सारा वेस्ट ही जाता है। लेकिन मैं हमेशा बाबू के लिए कुछ भी बनाऊं बिना मिर्च का बनाती ज़रूर हूँ। तो देखिए नाश्ता तैयार है, आ जाइए आप भी गर्मा गर्म आलू के पराठे और अदरक वाली चाय इन्जॉय कर लीजिए। तो बस बाबू ने खा लिया था, अब हस्बैंड को दे रही थी मैं। अभी तो सब कुछ इसे पापा के हाथ से खाना होता है, खाना हो या कपड़े। क्या कर रहा है बाबू? कुछ भी हो। क्या कर रहा है जूली? क्या कर रहा है जूली? कर रहा है जूली? जूली झूला। हाँ। किसको कर दो सबको? दिखा दूँ आपको किचन की हालत नाश्ता बनाने के बाद। ओ माय गॉड, देखिए सिंक भर के बर्तन है, अभी मुझे ये साफ करने हैं। ज़रा सा कुछ भी बनाओ तो सच में इतना ज़्यादा फैल जाता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। कर रहा बेटा, क्या बात करनी है? तब हम बैठा के पीछे को होके करो थोड़ा सा। हाँ अभी कर लो, तब हम बैठा का।
प्रेम पे पैदा हुआ। डांस भी करके दिखा दो सबको कैसे करते हो करो। तो देखा आपने बाबू का डांस, बाबू की नौटंकी। तो बस अब हो गए थे, 2:30 बजे का टाइम हो गया था, भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगी थी। मैं किचन में आई थी क्योंकि सुबह के काम के बाद थोड़ा सा थक जाते हैं और फिर बाबू परेशान करती है, तो उसी को खिला रही थी। मैं डांस वगैरह वो कर रही थी, थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट करके आपके साथ शेयर भी किया है। आप बताना कैसे लगा मेरे सोने का डांस। अभी तो अलग अलग स्टेप करने लगी है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो अलग अलग स्टेप सीखने लगी है, जैसे टीवी में देखती है बच्चों का डांस वगैरह तो उसी तरीके से वो करती है। और मैंने दिखाया आपको किचन का क्या हाल हो रखा था, नाश्ते के बाद यही हाल होता है सबकी किचन का। और खाना बनाओ, कुछ भी थोड़ा सा भी काम करो तो बस यही हाल होता है। तो सारा सामान मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया था, तो आपको पहला पहला लग रहा होगा, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी मुझे साफ़ करना है। पहले मैं किचन साफ़ करी क्योंकि किचन छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है मेरी। तो मैं एक टाइम तो अच्छे से अपनी गैस सर्फ से ही साफ़ करती हूँ, सर्फ से यानी जो साबुन होता है बर्तन बार होता है तो उसी से ही मैं कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से एक टाइम तो साफ़ होनी चाहिए क्योंकि चिकना वगैरह जम जाता है पूरे दिन काम करते करते। तो बस मैंने साबुन से गैस अच्छे से साफ़ कर ली थी। बस सारा साफ़ करने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी मैं। तो ये देखिए बर्तन का अंबार, और मैं किस तरीके से इसको फटाफट निपटाती हूँ, कुकर से लेकर परात तक, परात से लेकर चम्मच तक सारे ही बर्तन हैं। कम से कम इन बर्तनों को साफ़ करने में मुझे आधा पौना घंटा लग गया था, और चिकने भी हो जाते हैं वैसे तो गर्मी में इतने अच्छे से, मतलब नहीं होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बर्तन थे तो कम से कम मुझे पौना घंटा लग गया था, जिसको स्पीडली देखो कितने स्पीडली साफ़ किया है मैंने। स्पीड बढ़ा दी थी नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, जितनी स्पीडली मैं साफ़ कर रही हूँ उतनी स्पीडली साफ़ हुए नहीं थे, पूरा मुझे पौना घंटा लग गया था। तो बस देखिए बर्तन मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं, बर्तन साफ़ करने के बाद सिंक वगैरह साफ़ करके इन्हें धुल लूँगी, और बस अब मेरा किचन का काम फ्री है क्योंकि अब तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हैवी नाश्ता करने के बाद कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो देखिए बर्तन सारे साफ़ हो चुके हैं, अब बास्केट भी साफ़ कर लूँगी मैं, और क्योंकि मैंने जो बर्तन थे इसके अंदर से वो सारे मैं, मतलब जो सूख जाते हैं बर्तन वो सारे हटा के रख देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। अब बस साफ़ करके इसमें जो भी साफ़ किए हैं बर्तन वो धो दूँगी, मांझ मैंने लिए हैं सारे बर्तन। और कुकर से पता है आलू वगैरह बॉयल करो ना बहुत ही गंदा हो जाता है कुकर। तो देखिए फाइनली किचन साफ़ हो चुकी है, और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। बेडशीट धोई थी आज, तो बेडशीट चेंज करनी थी, उस वक्त नहीं की थी, मैंने सोचा फ्री टाइम में कर दूँगी क्योंकि सुबह सुबह के टाइम तो आपको पता है कितनी स्पीडली भागता है, तो सुबह को टाइम नहीं मिल पाता है इन सब का। तो बस अभी मैं बेडशीट बिछा रही थी, सुबह बस ऐसे धो दी थी यहाँ से उठा के, तो मैंने सोचा था बाद में बिछा दूँगी। तो अब मैं दूसरे बेड की बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। एक तो हमारे यहाँ बेड ही बेड इतने हो रहे हैं अभी तो कितने भी मेहमान आ जाए कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलिए बस इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या किसी ब्लॉग में, तो तब तक के लिए।